Hello everyone and welcome to my channel GS with Abha. This is the first video of my channel and today I am going to start with the subject political science. To make the material more quality based and useful for you, I have used some books. Some prominent books such as Indian Polity by M. Lakshmikant, India Struggle for Independence by Bipin Chand and Our Constitution by Subhash Kashyap. So without wasting time, let's get started. But before entering to the main topic, let's study about some terms that are used in political science. So the first term is, what is polity? Polity kya hai? Polity denotes an organization where rules are made and decisions are taken for the whole community. Polity एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि एक organization लोगों के एक समूह को represent करता है, जो क्या करते हैं, जो नियम और कानून बनाते हैं, rules और regulations को बनाते हैं, किसके लिए? Community के लिए. Community क्या है? Public है. So here we can say that polity means public. So next term is, what is political? The term political refers to something related to a polity that is public as distinguished from private or something applicable to a limited number of person. तो political का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो polity यानी कि public से related हो, वो political हो गई, जो कि उसे private या फिर ऐसे organization से अलग करती, distinguish करती है जहाँ पर बहुत कम लोग हो. तो political term का हम use तब करेंगे जब हम maximum number of people का के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि public. Next and the last keyword of this political science is, what is political science itself? तो political science क्या है? Political science inquires what men and women actually do in political situation. Political science inquire करता है, जानना चाहता है कि men और women political situation को कैसे handle करते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि science का मतलब क्या होता है? Science का मतलब तो यही होता है ना, actions and reactions. तो political science भी इस ऐसे ही बनी है. जब human being यानी कि मेन एंड विमेन ने किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन पर एक्ट या रिएक्ट किया, तो उसे हमने पॉलिटिकल साइंस का नाम दे दिया. तो पॉलिटिकल टर्म जो साइंस का टर्म है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हम पर्सनल गोल्स को अचीव करते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू. पॉलिटिक जो वर्ड होता है ना, पॉलिटिक्स करना, तो ये पॉलिटिक्स करके जब हम अपने पर्सनल एम्स को, गोल्स को अचीव करते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस में आता है. इसका मेन एम एज अ पब्लिक होल, जब पब्लिक को हम होल में लेते हैं, पब्लिक को ही पूरा मानते हुए करते हैं कोई काम, तो उसमें क्या होता है, उसमें इसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल या कम्युनिटी गोल को अचीव करना. पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में या गवर्नमेंट में ही एप्लीकेबल हो, ये हर जगह आपको मिलेगा. आपके हाउस में, आपके स्कूल्स में, रोड्स, स्ट्रीट्स, एवरीवेयर पॉलिटिकल सिस्टम इज, पॉलिटिकल साइंस इज देयर. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, पॉलिटिकल सिस्टम. अब पॉलिटिकल सिस्टम जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो बेस है पॉलिटिकल साइंस का, इसको पढ़ने के लिए हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला पार्ट है रूलिंग, दूसरा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन. इसको बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने डिफरेंशिएशन किए हैं जिसको आप इजीली समझ सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं रूलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से. रूलिंग इज इलेक्टेड बाय द पीपल. रूलिंग मतलब शासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन. रूलिंग लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए लोगों को कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. पूरी पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, उन्हें हम रूलिंग मिलाते हैं. और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसी पब्लिक के कुछ ऐसे लोग जो कुछ एग्जाम्स, टेस्ट, इंटरव्यूज पास करके कोई जॉब, कोई पोजीशन हासिल करते हैं. फिर रूलिंग में लेजिस्लेचर और मिनिस्टर्स आते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज आते हैं. रूलिंग का काम होता है पॉलिसीज यानी कि रूल्स और लॉज को बनाना, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है जो रूलिंग ने रूल्स और लॉज बनाए हैं उनको ग्राउंड लेवल पर यानी कि पब्लिक में इम्प्लीमेंट कराना, एनफोर्स कराना. ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है. रूलिंग सीनियर बॉडी है और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सबॉर्डिनेट बॉडी है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी और मॉन्टेस्क्यू थ्योरी. तो मॉन्टेस्क्यू कौन थे, पहले ये जानते हैं. मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच जज थे, मैन ऑफ लेटर्स यानी कि बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल थे, फिलोसोफर थे. इन्होंने वर्ल्ड को, ना कि सिर्फ इंडिया को, बल्कि वर्ल्ड को एक थ्योरी प्रोवाइड करी जिसे हमने सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी कहा, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया, जिससे कि लोग अकाउंटेबल जो होती है कि एक एपिक्स पावर, सेंटर ऑफ पावर जो है वो एपिक्स ना हो बल्कि डिवाइड हो जाए, जिसमें सबके पास पावर्स हो और सबके पास कुछ अधिकार हो. और
इससे क्या होगा, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम हो जाती हैं और अकाउंटेबिलिटीज लोगों की आराम से डिवाइड की जा सकती हैं और काम बहुत स्मूथली किया जा सकता है। तो ये तो मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी थी। अब ये थ्योरी क्या है, तो मॉन्टेस्क्यू ने जो थ्योरी दी सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें उन्होंने क्या किया, जो रूलिंग हमने अभी पढ़ी, जो यानी कि लेजिस्लेचर था, इसको जो हमने पढ़ा, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इसको उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तीन पार्ट थे, पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को हम अलग अलग समझते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंज लॉ। लेजिस्लेचर उन लोगों के समूह को कहते हैं जो क्या करते हैं, जो या तो लॉ बना सकते हैं और उनमें बदलाव भी ला सकते हैं। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर का पार्ट माने जाते हैं और इनका मेन फंक्शन वही है, लॉ बनाना। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी इन एंड होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ नेशन। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है, जो काम कराने में हेल्प करती है, जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और जो नेशन को गवर्न करने में लेजिस्लेचर की हेल्प करती है। ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनका काम होता जो है वो ये है कि जो लॉज हमारे लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको ग्राउंड लेवल पर पब्लिक में इन्फोर्स कराना, पब्लिक में एग्जीक्यूट कराना, इन्फोर्स कराना। मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को हम एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट मानते हैं। फिर फाइनल आती है जुडिशियरी, द जज ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट व्हेन दे आर कंसीडर्ड एज अ ग्रुप। जब जजेस और जो कि कंट्री या स्टेट के होते हैं, उनको जब एक ग्रुप के तौर पे लिया जाता है तो हम उसे जुडिशियरी कहते हैं। जुडिशियरी क्या है, एक सिस्टम है कोर्ट का जो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, जो भी लॉज अभी हमारी लेजिस्लेचर ने बनाए थे उनको इंटरप्रेट करना जुडिशियरी का काम है। इंटरप्रेट करना मतलब देखना कि ये लॉ सही है कि नहीं, किसके लिए सही है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या इन लॉज से आगे कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीज़ें जुडिशियरी चेक करता है। और एंड अप्लाइज लॉ इन लीगल केसेस, और जो एग्जीक्यूटिव ये इन्फोर्समेंट करते हैं लॉज का, इनका भी चेक जुडिशियरी के हाथों में होता है। इसका बेसिक फंक्शन तो बस इतना ही है कि ये गिल्टी को पनिश करता है, जो ये लॉज को तोड़ते हैं, जो लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जो इन लॉज के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं, उनको ये गिल्टी बना करके पनिश करता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये जो तीनों सिस्टम है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये किस में आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर ऑफ अ कंट्री, उसके अंदर ही ये तीनों काम करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर, आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। होप यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय चैनल। प्लीज़ लाइक माय चैनल सो दैट इट इम्प्रूव्स मी, इट बूस्ट मी टू मेक न्यू एंड मोर क्लियर एंड बेटर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।